दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट कन्वेंशन के समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 का दृश्य मुझे याद है। प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं था। साथ ही अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले को भी बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक को अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि पिछली सरकारों में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। मौका प्रधानमंत्री के जन्मदिन का है, लेकिन अभी भी अटैक आप लोगों के ऊपर ही। जन्मदिन की बधाई। रस्मी तौर पे इसे विवाद में नहीं खींचना चाहिए था, पर अमित शाह जी ने इसे खींच ही लिया। अगर वो प्रधानमंत्री बेचारे थे तो उनके कार्यकाल में आर्थिक रूप से भारत देश विश्व की तीन बड़ी शक्तियों में था, और ये सशक्त प्रधानमंत्री तो सातवें नंबर पे खिसक गया है। GDP 6% पे आ गई है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है, एक अंधेरी सुरंग में देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, पूंजी निवेश जो था लोग लेके जा रहे हैं कोई कर नहीं रहा है। तो इससे अच्छे तो वो बेचारे प्रधानमंत्री थे। जहाँ तक बात है सर्जिकल स्ट्राइक की, उसी प्रधानमंत्री बेचारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 10 बार कम से कम अटल जी और मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में 10 बार सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुकी है। मैं डेट जगह सब बता सकता हूँ, और जनरल ने आके खुद चैनल्स पे कहा है। परंतु पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक होती थी वो देश हित के लिए की जाती थी, अब जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका ढिंढोरा भाजपा हित के लिए पीटा जाता है। कुल मिलाकर मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये जन्मदिन है तो मैं बहुत विवाद में नहीं खींचना चाहता बधाई के अलावा। काश जब प्रधानमंत्री जी गुजरात जा रहे थे, उनका विमान जा रहा था, नीचे देख लेते, हालात देख लेते राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तो शायद आज जन्मदिन पे सबसे बड़ा काम यही होता कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिए वो एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा कर देते, तो शायद उनका जन्मदिन सही मायने में मना लिया जाता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पे एक को भी एक राजनीतिक तौर पे भुनाने की कोशिश की गई है, प्रधानमंत्री US जा रहे हैं 22 सितंबर को, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति भी साथ में होंगे, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, आपको लगता है? मेरी शुभकामनाएं। विदेश यात्रा पे जब भी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री या कोई प्रतिनिधिमंडल जाता है तो सारा देश को प्रतिनिधित्व करता है, हमारी शुभकामनाएं। पर एक बात जरूर कहूँगा कि वहाँ क्या एजेंडा है हमें नहीं मालूम, वहाँ क्या बातें होंगी यह अभी नहीं है, जब होंगी बातें तो हम बताएंगे। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, ट्रंप का बयान आज जो आया है वो चौंकाने वाला है। उनका मैं पाकिस्तान के से भी अलग बात करूँगा, इनसे भी अलग बात करूँगा, कश्मीर के बारे में, वहाँ सीमाओं पर जो हालात हैं उसके बारे में, ये ज़रा चौंकाने वाला बयान है।